दिया है। संत तुलसी हुए, सूर हुए, कबीर हुए, नानक हुए, तुकाराम हुए, एकनाथ हुए, नामदेव हुए, मीराबाई हुई, कर्माबाई हुई, धनाबाई हुई। ईमानदारी से बताओ, इन्होंने सुविधा का त्याग किया, सिद्धांत का वर्ण किया। मीराबाई ने तो राजघराना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बोलो, सब जानते हो। वो तो चित्तौड़ की महारानी थी, लेकिन बोलो, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया ये सब? मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सही बताओ, भगवान राम ने, कौशल्या जी ने बार बार कहा था, तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाऊ। बेटा भूखे हो, फल खा लो, दूध पी लो, बढ़िया श्यामा गाय का दूध रखा है बेटा, पी लो, फल रखे हैं सुंदर सुंदर, ग्रहण कर लो। जब भगवान राम बन जा रहे थे, कौशल्या माँ की इच्छा थी कि बेटा दूध पी ले, बेटा फल खा ले। क्यों भैया? बेटा बाहर जाता है तो माँ यही तो कहती, बेटा फल खा लो, मिठाई खा लो, दूध पी लो, बार बार कहती, मेरा बेटा भूखा ना जाए। कौशल्या माँ भी कह रही हैं, तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ। श्यामा गऊ का दूध रखा है, बढ़िया मधुर फल रखे हैं, बेटा खा लो। राम जी ने कहा, माता जी भूख नहीं लगी है। लेकिन जैसे ही सबरी माँ के पास पहुंचे तो कहा, जो भी रखा हो तुरंत दे दो, इतनी भूख लगी है कि प्राण ही निकले जा रहे हैं, जो रखा हो तो तुरंत दो। बोलो भाई, माँ सबरी से बेर फल आदि कंदमूल फल मांगे कि नहीं, और सबरी ने खिलाए कि नहीं खिलाए? एक बात बताओ भैया, कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाई भगवान को, भूख केवल भगवान को वहीं लगी? सोचो जरा, सारे संसार को भोजन देता है, लेकिन कर्मा के आगे बोलो भूखा है कि नहीं? सारे संसार को आरोग्यता प्रदान करता है, लेकिन कर्माबाई के सामने बोलो भाई क्या कंडीशन बनी? एक संत थे दादू जी, एक दादू पंथ है ना हमारे यहां, आपने सुना होगा दादू पंथ। दादू जी इंतजार करते थे कि हमारे घर में महात्मा आवे। तो किसी ने कहा, महात्माओं का इंतजार क्यों करते हो? कहे, इसलिए कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन महात्मा जब आ जाते हैं तो उन्हीं में हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। किन में कर लेते हैं परमात्मा का दर्शन? महात्मा में। आज एक बड़ी अच्छी बात पुरी शंकराचार्य जी महाराज की सुनने को मिली। क्यों भाई जगन्नाथ जी, कौन से वो तुम्हारे वो थे जो मित्र आए थे? संपत जी शायद बैठे होंगे, वो कि अभी अभी निकले, बहुत देर से मेरे पास बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी पीठ का शिष्य हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन आपका दर्शन मैं कर रहा हूं अपने गुरुदेव के रूप में। मैंने कहा, अच्छा, ये श्रद्धा, ये संस्कार, बोले संस्कार गुरुदेव ने ही दिए कि मेरे शिष्य बन रहे हो, लेकिन जिस भी संत का दर्शन करना उसमें मेरा दर्शन कर लेना, सम्मान जरूर करना। ये उदारता की बात है। ये किसकी बात है? उदारता की बात, महानता की बात है। इस प्रकार की महानता होना चाहिए, इस प्रकार की उदारता होनी चाहिए। दादू महात्मा भूखे रह जाते हैं, दिन भर भोजन नहीं करते हैं। किसी ने कहा कि भूखे क्यों हो? कहे, भगवान को भोग लगाना था लेकिन भगवान आए नहीं। अरे कहे, भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, चले जाओ। कहे, नहीं नहीं, वो भगवान दर्शन करने योग्य हैं, उनका दर्शन करते हैं हम, उनको प्रणाम करते हैं, उनका चरणोदक लेते हैं, लेकिन जो भी हम ले जाते हैं वस्तु, बस तुलसी दल पुजारी छोड़ देता है, वापस लेके चले जाते।
गए भगवान तो तुलसी दल ग्रहण करते हैं, तुलसी दल। दादू कहने लगे कि भैया भगवान तो मंदिर में बैठा है, भगवान ग्रंथों में बैठा है, भगवान कण कण में तृण तृण में बैठा हुआ है, लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान संतों के हृदय में समाया हुआ है। संत आ जाते हैं, वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो मैं समझ लेता हूं कि आज भगवान ने प्रसाद पा लिया। दादू दुनिया जात को निस दिन धुनत कपास, जादन संत नयावे तादिन करत उपास। जिस दिन साधु नहीं आते उस दिन भोजन नहीं करते हैं दादू जी। ये महान संत हुए हैं दादू जी, भोजन नहीं करते हैं, वो कहते हैं आज संत नहीं आए। क्यों? संतों में वो भगवंत का दर्शन करते हैं कि भगवान ही है संत। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भारत के संत महान हैं, और इतने महान हैं कि उनके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। अच्छा भैया, एक प्रसिद्ध दोहा है कि प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज के हृदय में वो लोग भगवान सदा निवास करते हैं कि नहीं करते? सदा निवास करते हैं। संतों के हृदय में भगवान क्यों निवास करते हैं? संत भगवंत क्यों हो जाते हैं? कैसे बन जाते हैं? संत सदा भगवंत का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। बोलो, संत किसका ध्यान करते हैं? भगवंत का ध्यान करते, वही संत है भैया असली, जो भगवान का ध्यान करता रहे। हैं? आजकल की बड़ी विचित्र कंडीशन है। क्या आजकल ध्यान करते हैं कि चेले आ रहे हैं कि नहीं? आज दिन भर बैठे बैठे निकल गया, कोई आया ही? अरे राम 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 राम। अरे चेले अपनी आस्था व्यवस्था के साथ आएंगे, भक्त अपनी आस्था व्यवस्था के साथ आएंगे, लेकिन चिंतन किसका करना है कि भगवान आ जाएं? बोलो, किसका चिंतन करना है कि भगवान आ जाएं? बस सीधी सी बात। एक सूत्र है, ध्याने ध्याने तदरूपतः, जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उसके तद्रूप हो जाता है। संत भगवंत का नित्य ध्यान करते हैं, इसलिए भगवंत का ध्यान करते करते संत भगवंत बन जाते हैं प्यारे, भगवान उनके हृदय में निवास कर लेते। तो भैया भगवान का ध्यान किया करो, तुम सब भी भगवान का ध्यान किया करो कि भगवान कहाँ हैं, भगवान कब मिलेंगे, भगवान के भाव की भूमिका में भगवान को हृदय में रखो हमेशा। किसकी भूमिका में? भाव की भूमिका में, कि भगवान मेरे हृदय में है, भगवान मेरे साथ हैं। अब बताओ, भगवान जिसके साथ होंगे, काल उनका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता ना, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ना घोर कलिकाल उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोरोना काल उनका बिगाड़ सकता है। भगवान को सदा साथ लेकर के चलो, और याद रखना इस घोर कलिकाल में अगर भगवान हैं तो कथा में है। किस में है? कथा में है। राम मिलेंगे तो राम कथा में मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे तो भागवत की कथा में मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? जगन्नाथ भगवान मिलेंगे, कामदानाथ मिलेंगे, तो बोलो भाई ये भागवत और रामायण में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?